नमस्कार स्टूडेंट, नव भारती परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भारती को नमन करते हुए, माँ शारदे के चरणों में नमन करते हुए मैं आज आपको फिर से एक बार स्वयं की समझ के बारे में कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी। देखो स्टूडेंट, मैंने आपको पिछले वीडियो में कुछ चीज़ें बताई थी। बताया क्या था, सिलेबस क्या है, आपको स्वयं की समझ के लिए हमें क्या करना होगा, स्वयं की समझ का अर्थ क्या है, उसका संप्रत्य क्या है, डेफिनेशंस क्या है, इनके बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया था। और मैंने आपसे वादा किया था कि मेरी क्लास को आगे बढ़ाने के लिए मैं प्रयासरत रहूंगी और मैं फिर से आपके सामने स्वयं की अपने आप को जानने और समझने की जो प्रयास है, जो क्या हमें करना चाहिए और क्या हमें स्वयं की समझ में नहीं करना चाहिए, उन पार्टों के बारे में थोड़ा सा आपको अध्ययन कराना चाहूंगी। देखिए स्टूडेंट, प्रत्येक कार्य को करने से पहले हमें स्वयं को जानने की बहुत आवश्यकता है। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बार बार एक ही बात बताई थी कि हमारा जो समझ है, हमारी जो वैश्विक समझ है हमारे अंदर, उसको हमें डेवलप करना है। डेवलप करने के लिए कौन कौन सी चीजें जो हम उसमें उनको डेवलप करने के लिए डाल सकते हैं, उनके बारे में मैं आपको फिर से चर्चा करूंगी। और आज मैं आपको बताना चाहूंगी अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, स्वयं की पहचान के अंग। अपने स्वयं की पहचान के लिए हमें क्या क्या चीजें हमारे अंदर होती हैं और उनका हमें कैसे धारणाएं बनती हैं, उन धारणाओं को कैसे दूर किया जाता है, कैसे उनको जकड़कर बैठे रहना होता है। तो हमें जकड़कर और पकड़कर तो कुछ बैठना ही नहीं है, हमें तो सिर्फ अपना डेवलपमेंट करना है। डेवलपमेंट करने के लिए, अपने आप की समझ को अपने अंदर डेवलप करने के लिए हमें प्रत्येक व्यक्ति के स्वयं के तीन कितने आधार होते हैं स्टूडेंट? तीन बुनियादी आधार होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? शरीर, तन अपना, और सेकंड है आत्मा हमारी और मन। ये तीन चीज ऐसी होती हैं हमारे शरीर के अंदर जो हमारी पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट में बहुत बड़ी सहायक होती हैं। तीन ही तो चीज होती हैं शरीर के अंदर, तीन चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे डेवलपमेंट में सहायक होती हैं। सबसे पहला होता है हमारा शरीर। हमारा जो शरीर है,
हिस्सा है। ये छोटा सा हिस्सा, हम जब इस छोटे से हिस्से को हम अपने मन को समझते हुए खत्म कर सकते हैं, तो क्या हम मैं आलसी हूं की धारणा को खत्म नहीं कर सकते? नहीं, हम ये कर सकते हैं, लेकिन करना क्या होगा हमें, हमें ऑनली ऑन क्या करना होगा, अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, अपने आप को जानना होगा, अपने आप को समझना होगा, अपने आप के होने वाली चीजों का सामना हमें करना होगा। इन तीनों चीजों को मिलाकर हमारे शरीर के, हमारे पर्सनैलिटी के, हमारी व्यक्तित्व के चार पहलू होते हैं। उसमें पहला पहलू होता है हमारा स्वयं के पहलू। स्वयं के पहलुओं के बारे में हम पढ़ रहे हैं। पहला पहलू होगा हमारा क्या, भौतिक संसार में जीवन यापन। भौतिक संसार में जीवन यापन करना, शारीरिक पहलू, शरीर से हम भौतिक संसार में जीते हैं, लेकिन हमारे शरीर की पर्सनैलिटी, जो भी हमारा शरीर बनता है, उसको बनाने में हमारा देखो शरीर को डेवलप होने में बहुत सारी चीजों का, जैसे हम साइकोलॉजी में पढ़ते हैं, वो सारी चीजों का हमें हमारा उपभोग करते हैं, यानी कि हमारे घर वाले हैं, हमारे समाज वाले, परिवार वाले, जहां से हमें कोई चीजें सीखने को मिलती है, हम उनको सीखते ही रहते हैं। लेकिन पूर्णतः शरीर का डेवलपमेंट कब माना जाता है, जब इंसान स्वयं को स्वयं से पहचान की करवा देता है, स्वयं से स्वयं को जान जाता है, तो सही से हमारा जो शरीर है डेवलप हो पाता है। नेक्स्ट आ जाता है मानसिक पहलू। मानसिक पहलू होता है वो एक दूसरे की, जो मानसिक पहलू है वो स्वयं बुद्धि, सोचने, विचारने, तर्क करने, यानी अपनी बुद्धि के करने। अब जो मानसिक चीजें हैं हमारी, जो हमारी इंटेलिजेंसी के अकॉर्डिंग सोचने, विचारने, तर्क करने की क्षमताओं का डेवलपमेंट करता है, तो हमें पॉजिटिव सोचकर अपनी इस जो हमारी मानसिक शक्ति है उसका डेवलपमेंट हम अच्छे से कर सकते हैं। नकारात्मक चीजों को सोचकर हम अपने आप के दर्जे को गिरा देते हैं, तो हमें मन से भी, हमें मानसिक चीजों में भी पॉजिटिव विचार लाने हैं, पॉजिटिव तर्क वितर्क करना है। कई बार नेगेटिव तर्क वितर्क करने से भी हम बहुत कुछ चीजें सीखते हैं, तो वो भी हमारी उसमें शामिल होती है, लेकिन हमको करना क्या होता है, फिर सिर्फ हमको अच्छा बनने का प्रयास करना होता है। भावनात्मक पहलू, एक दूसरे की भावना स्तर को जोड़ने की क्षमता निहित होती है। भावनात्मक पहलू, भावनाओं से हम एक दूसरे को जान जाते हैं। हम जब भी समाज में, परिवार में किसी से मिलते हैं, किसी के लिए कुछ करते हैं, तो हमारी जो भावनाएं हैं, वो अटैचमेंट जो है हमारा मन का, हमारे मन से जो भी अटैचमेंट होता है, वो भावनाएं उससे डेवलप होती है। किसी के प्रति भावनाएं करना और अपने प्रति क्या भावनाएं हैं इंसान की, वो हमारे भावनात्मक पहलू के अंदर आती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा आध्यात्मिक पहलू। आध्यात्मिक पहलू का गहरा अर्थ है स्वयं के जीवन तथा एक व्यापक परिप्रेक्ष्य की तुलना में स्वयं के व्यक्तित्व से है, यानी कि जो हमारा स्वयं के जीवन का तथा एक व्यापक, स्वयं के जीवन का एक व्यापक जो परिप्रेक्ष्य है उसकी तुलना में स्वयं के व्यक्तित्व से है। हमारी पर्सनैलिटी, यानी देखिए अध्यात्म से मतलब होता है कि जगत, दुनिया, जगत दुनिया से परे, यानी भगवान से रिलेटेड, यानी भगवान। अब बहुत से बच्चे, तो कई बार मेरी क्लास चलती है तो मैं कुछ ऐसी बातें जब एग्जांपल देती हूँ तो बच्चे बोलते हैं क्या भगवान है। देखिए बच्चों, ये मन की ही तो सोच है कि मन से सोचोगे तो भगवान है, मन से नहीं सोचोगे तो पेड़ पौधे भी भूत दिखाई देने लग जाते हैं। ठीक है, तो मन की ही तो सोच है। मन से अगर हम किसी चीज को पूजनीय बना देते हैं तो वो पूजनीय हो जाती है, और मन से अगर हम किसी चीज, पूजनीय चीज को भी पत्थर मान लेते हैं तो वो पत्थर हो जाती है। सोच और समझना और सोचना सिर्फ मन का खेल है, तो मन से हम किसी भी चीज को अगर सोचेंगे, साइंस बच्चे कहते हैं कि विज्ञान ऐसा कहता है कि दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो भगवान है। हाँ, मैं साइंस को बहुत अच्छा मानते हुए मैं हम लोग ये है कि किसी को किसी से फोर्स, स्टूडेंट्स कभी किसी को फोर्स नहीं करते हम लोग, मतलब कोई भी हमसे, मतलब कोई